क्या थी ऐसी अहम मसरूफियत? तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरी बात थी वो बता दो पहले। कुछ नहीं। यार अब तुम बताओगी नहीं, खामोश रहोगी। ये सारी बीवियां एक जैसी होती हैं? क्योंकि दुनिया के सारे शौहर एक जैसे होते हैं, एक नंबर के झूठे। कोई नई बीवी तो डिस्कवर नहीं कर ली मेरी? अच्छा क्या हुआ है? बताओ ना, क्यों ऑफ हुई भी हो? अरे पूरे दिन की बोरियत से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। इंसान कोई केबल, कोई टीवी, कुछ तो लगा कर दे देता है घर में। निर्मा, जब तक इस घर के पूरे पैसे नहीं दे देते हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपसे जब भी बात करती हूँ आप मुझे ये हिसाब किताब क्यों बताना शुरू कर देते हैं? तो और किसको बताऊं मैं? तुम्हें नहीं बताऊं तो किसे बताऊं? रजिस्ट्री तो घर की मेरे नाम हो गई ना, वो भी बगैर पैसों के। तो और क्या मतलब, इसी तरह तो जलाती हैं औरतें अपना घर। वाह वाह जबरदस्त, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। यार हाशिम ने मुझे बहुत प्रेशर दिया हुआ है, दिन में 100 फोन करता है वो। कितने पैसे देने हैं उसके? तीस लाख 30 लाख? अली क्या अली? जिस घर में तुम बैठी हुई हो ना, 3 करोड़ कीमत है इसकी इस वक्त मार्केट में। मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा मुझे जताते क्यों रहते हैं ये पैसों वाली बात और ये सब हिसाब वाली बात? हाँ मुझे तो लग रहा है आप थोड़ी देर में कपड़ा, खाना, सब कुछ मुझे जताने लग जाएंगे। यार निर्मा, खुदा के वास्ते बस कर जाओ, तुमने तो इस लहजे को अपनी आदत ही बना ली है। मैं तो भूल ही गया उस निर्मा को जो आंखें बंद करके प्यार करती थी मुझसे। क्योंकि उस निर्मा की आंखें आपने खुद खोली हैं। जब आंखें खोलती हो तो मैं देखता हूं। ये अभी ना करें, मैं बहुत परेशान हूं। मुझसे ज्यादा परेशान हो? अगर मकान के पूरे पैसे नहीं दिए ना तो वो तो क्या रजिस्ट्री के साथ जो स्टैम्प पेपर है वो पड़ा था? हाँ मैंने देखा नहीं इतना ध्यान से, कुछ अहम था उसमें क्या? कुछ नहीं यार, मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं अली बताओ ना क्या था उसमें? साफ साफ लिखा है कि अगर मुकर्रर वक्त तक पैसे नहीं दिए तो वो किसी किराएदार को यहाँ पे लाके बिठा देगा और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या बकवास है ये क्या बात हुई? डैड ने खुद करवाया था ये स्टैम्प पेपर। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम्हारे ही दुश्मन। यार तुमने तो मेरे पेरेंट्स को इजी टारगेट बना लिया, मेरी हर नाकामी का जिम्मेदार तुम उन्हें बना देती हो। जो करना है कर लो, लेकिन ये मैं नहीं होने दूं। बगैर पैसे के कुछ नहीं मिलता, अगर उनको पूरे पैसे नहीं दिए तो वो किराएदार बिठाएंगे और वो तब तक यहां रहेंगे जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते। Assalamualaikum everyone, I'm your very own Danish Tamur. Watch my new serial, Ishq Hai, only on ARY Digital. And subscribe to the YouTube channel also. Thank you.